ये हमारे दया किशोर पांडे जी उत्तराखंड से आए हैं, बड़ा अच्छा लगा हमसे सबसे पहले डायरेक्ट मिले आके, ये बहुत खुशी की बात है। कहते हैं कि देखिए वीडियो वो चीज है कि दुनिया को मिला देती है, कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा। जो है जो 14 लोग बोल रहे थे कि 14 लोग, पासवान जी कह रहे थे कि 14 लोग आएंगे, जो है तो ऐसे झूठे ले आदमी को, तो जब उनकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। 14 लोग पहुंचेंगे वहां पर, आप बताइए। पासवान जी शर्म करके डूब कर मर जाओ, यूपी नहीं बल्कि उत्तराखंड से हमारे भाई कह रहे हैं। उत्तराखंड नहीं है, हरियाणा से भी आएंगे, हर जगह से आएंगे, ना कभी किसी का भला चाह सकते। हाँ किसी का लोग आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, पासवान जी और ये हर व्यक्त को गुमराह रहे हैं कि ये किसी तरीके से गिर जाए। कहाँ हो रहे लोग गुमराह, देखो भीड़ अपनी इकट्ठा हो रही है। उन्होंने तो बना लोग लाइन लगाएंगे 14 में धरना ही नहीं, वो तो कह रहे 16 को बोल रहे थे। लेकिन अभी अभी कई लोगों के कल फोन आ रहे हैं, तो उत्तराखंड से आ रहे हैं लोग। कुछ मेरे को आपका फोन नंबर नहीं मिला, हमें बहुत ढूंढा था फोन नंबर, कैसे आ रही है उत्तराखंड। ये भी देखो भाई हमारे आ गए, मतलब कुल मिला के यार आज पूरा जलवा होगा, ये उम्मीद है। नागपुर जिला से हम सब से आए भाई हमारे, ये पत्र हमने देखो और अरैया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हमारे ग्राम चौकीदारों ने ऐसे ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं, ये सरकार ने क्या दिया, कई जिंदगी बचाकर खुश हो गया राजेश जी। हमारे वेतन जो है 2000 रूपये दिया जाता है, और काम जो है उनसे रात के 12 बजे अगर फोन आए तो हमें तुरंत भागना पड़ता है, कहीं आपदा हो, नदी नाले आ जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई बात अगर हो जाए, चोरी डकैती हो जाए, जो है तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है। मगर आज हम लोग जो है 2000 रूपये वेतन में क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या हम खाएंगे, और क्या हम अपने रिश्तेदार नातेदार को देखेंगे, जो है। तो भाइयों मेरा ये कहना है कि अगर सरकार अगर हमारे लिए अगर कुछ नहीं सुनती है, हमारा ये कहना है कि हम लोगों का वेतन जो है होमगार्ड और PRT के जवानों के बराबर किया जाए, हम लोग उनको वेतन भत्ता जो उनके बराबर दिया जाए, और हम लोगों की सुरक्षा किया जाए। लोग हमसे कहते हैं कि तुम तो पुलिस के मुखी रहो, तो आपको पता है कि मुखी और जासूस की क्या दुर्दशा होती है, वो अगर मारा जाता है तो देश के हो जाता है, वो कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे चौकीदार अगर कहीं अगर कार्य के दौरान अगर भाई को कोई चोटी लगा हो जाता है तो उसको कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। हमारे उत्तराखंड में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस समय हमारा एक चौकीदार राजेश नाम का लड़का था, उसने सारे गांव में रात को 12 बजे जब ऊपर से अतिवृष्टि हुई और काफी बादल फटा, वहां से सारे गांव में पूरी बाढ़ सी आ गई, उधर पूरा पहाड़ नीचे गुड़ के आ गया, उसने सबको भगाया वहां से, बचो बचो भागो भागो, और आखिर में बेचारा सबको तो बचा दिया उसने, मगर खुद जाओ व्यक्ति के नीचे दफन हो गया। लोग उसकी बॉडी को निकालने नहीं देते, मगर उसकी बॉडी नहीं मिल पाई, पता नहीं कितने नीचे जमीन में दफन हो गई है, मगर उस बेचारे को मरणोपरांत कुछ भी नहीं दिया गया जो है। तो इसलिए सरकार से मेरा कहना है कि भाई चौकीदारों की दशा देखो, वरना नहीं तो जो है आचार संहिता से पहले पहले अगर हम लोगों के ऊपर विचार नहीं किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये चौकीदार जो है एक चौकीदार दूसरे चौकीदार को ले डूबे, ये आप देख लीजिए। मेरा साफ साफ ये कहना है, इतने चौकीदार देखिए 70,000 ग्राम चौकीदार उत्तर प्रदेश से हैं, 15,000 उत्तराखंड से हैं, और इससे इतने ही करीब हिमाचल से हैं, हरियाणा से हैं, हिंदुस्तान के हर राज्य में ग्राम चौकीदार हैं, और बिना चौकीदारों के भी इनका गुजारा होना नहीं है। तो चौकीदार महोदय, मैं आपको आज हमारे इस मंच के माध्यम से सचेत करना चाहता हूं कि हमारा अमित शाह जी को और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तो देख लीजिए आप, जो अगर हम लोगों की अगर नहीं सुनी गई तो सिर में जो लाल कफन बांध के हमारे चौकीदार भाई यहां पहुंचे हैं, तो ये कफन कहीं भारी नहीं पड़ जाए किसी को, जो है ये आप देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।